मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस एवरीवन। एवरीबॉडी। हाल तो आप देख ही रहे हो होटल का, तो प्लीज डोंट माइंड इट। ओ वाओ, मेरे पास चॉकलेट समथिंग मोर इनसाइड। एप्पल भी है। Yeah, apple for Anish. Who? No, this is for me, this is for No, and he got an orange. हमारी लड़की तो उससे खुश हो जाती है। Apple in this. Wow. How do you know it's a candy cane? I the candy cane we got from school, I think. Good morning, guys. So, welcome to day two of the trip. और 9 बज गए हैं, लेट उठे हम लोग। मैं लेट उठा, एटलीस्ट उठ गया था वैसे, बट उठने का मन ही नहीं किया। होता ना कि दिमाग कह रहा है कि चलना है घूमने, लेकिन टांगे कह रही हैं कि थोड़ा सा और रुक जा। तो सुना आज बॉडी की और रुक गया। ये सारे उठ गए। पहले सोचा था सुबह सुबह मैं और अनीश उठ के जाएंगे, एक बहुत ही बढ़िया क्लिफ है, ओवरलुक क्लिफ है वहां पे। पर अब जब शिवानी और आशिता भी उठ गए हैं तो हम सारे ही जा रहे हैं। बहुत थक गए थे और क्या नींद आई। और उसके बाद आशिता तो रात को बुक्स पढ़ने को कह रही थी क्योंकि उसने तो अपनी नींद पूरी कर ली थी। बड़ी मुश्किल से परसों ही गए हम और थक गए थे यार, बहुत थक गए थे। गंदे वाला थक गए थे। How's your trip going so far? It's so good. Especially St. John, which they have the Indian food was so good, especially the dal makhani. हमारी कहानी तो पेट से शुरू होती है और पेट पे खत्म हो जाती है। जगह तो बस बहाना है। रास्ता है जो सीधा जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, पर हम एक ट्रस्ट मार रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं कि हमें किसी अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं। Isn't life like that as well? कि आप चलते रहते हो पर आपको एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है कि इट्स गोइंग टू लीड यू टू अ बेटर थिंग। क्या फिलोसफिकल बात कर रही है, क्या बात है। सो दोस्तों, ये है लाइट हाउस जहाँ आए थे केप स्पेंसर। लेकिन खासियत ये लाइट हाउस नहीं है, वो जो व्यू आपको पत्थरों का दिख रहा है। ठहरो, मैं आपको थोड़ा बेटर व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ठंडा बहुत है। आए हम ऐसे टाइम पे हैं, बट ठीक है, इतना खाली भी आपको इसी टाइम पे मिल सकता है, तो वाई नॉट, है ना। तो
या आई मीन दिस इज जस्ट एक्सपीरियंस राइट, जो आप ले रहे हो जान रहे हो और उसके बाद आप फिर आ सकते हो। तो हाँ, ये पीछे ये जो व्यू है, आपको फोटोज भी मैं दिखाऊंगा, आप फोटोज भी देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल व्यू जो कि सारे फोटोग्राफर्स आके लेते हैं, आई कैन सी वाई, इतना सुंदर व्यू है ये। तो या मिशन अकम्प्लिश्ड, इतना काम देखो तो ऐसे लग रहा है सी कितना काम है, बे कितना काम है, आराम से। पर यहाँ जो खड़े उनसे पूछो ठंड में हालत खराब हो रही है कि एकदम ही। ओके, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस यहाँ पे कॉल्ड रिवर्सिंग फॉल्स सेंट जॉन्स में। अभी तक चाय नहीं मिल पा रही है सब बंद है। इट्स क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। देखें तो पानी आगे आ रहा है एंड देन हाउ इट इज टर्निंग डाउन एंड बैक एंड मेकिंग अ फॉल। ऐसे शायद इतना क्लियर नहीं है, जस्ट क्विकली गुड। अमेजिंग हाउ नेचर जस्ट टग ऑफ वॉर हैपेंस। एंड दिस इज कॉल्ड नेचर्स टग ऑफ वॉर। नेचर बिहाइंड इट इज कि यहाँ से आ रहा है सेंट जॉन रिवर और दिस साइड ऑन द राइट साइड इज द बे ऑफ फंडी। तो जब सेंट जॉन रिवर का पानी बे ऑफ फंडी से इंटरसेक्ट होता है तो फ्रॉम वन साइड द वाटर इज कमिंग, अदर साइड द बे ऑफ फंडी वाटर इज देयर, तो वो रिवर के पानी को पुश करता है विच लीड्स टू मेकिंग स्वर्ल्स। सो दिस इज कॉल्ड नेचर टग ऑफ वॉर। Very interesting and so beautiful. पता नहीं वीडियो में कितना अच्छा आ रहा है बट दिस इज अमेजिंग, दिस इज नेचर और जस्ट सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम लोग अब जा रहे हैं लंच करने, कल रात को आए थे तो खाना इसका बहुत ही टेस्टी था। नाम है इसका रॉयल किंग और आप डेफिनेटली अगर सेंट जॉन आए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। Thank you. I'm sorry. What are you having, Anish? Same dosa. Whatever you are having. Okay, Ashish, see, they have dosa. You want dosa? Then? Dosa. What's that? Pav bhaji bhi hai. Amritsari kulcha with naan hai. This is special cream chicken, butter chicken. Chicken tikka masala. What's that? That looks to be mutton rogan ghost. What's that? This is lamb kadai. The next time we're going, it's the waterfront, right? Yeah. Marriott Waterfront? Halifax Waterfront, yep, that's right. But it's saying Marriott. It's Marriott, yep. Perfect, thank you so much. Do you have chai also? We do, yes. Do you want chai? Of course, badly. Take 2 cups of chai, but later. After the food? Yes. Okay, sure. So masala dosa, chana bhatura, amritsari kulcha, and 2 teas, and after the food? Yes. Do you need the menus? No, I think so. Good, okay. So, इस जगह में खाने की वो वैरायटी आपको मिल रही है जो कि नॉर्मली नहीं मिलती है, जैसे अमृतसरी कुलचा विद नान, वो आपको नहीं मिलता।
सो खाना आ चुका है और साइज देख के तो वैसे ही लग रहा है कि एकदम वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ऑथेंटिक स्टाइल है ना, ऑथेंटिक स्टाइल में. और खाना हमने मंगवा तो लिया है लेकिन हमने क्वांटिटी इतनी सोची नहीं थी. तो अगर आप यहाँ पे रॉयल किंग ऑफ क्या है नाम, रॉयल किंग टेस्ट ऑफ इंडिया, यस रॉयल किंग टेस्ट ऑफ इंडिया, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो खाना थोड़ा सोच के करिएगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा था कल. तो आज देखते हैं आपको खाना कैसा है, बताते हैं. शोनी कैसा लगा खाना सो फार? I'll give you water. तृप्ति मिली है, क्या मिली है वो देखो. और फाइनली हमें ऑथेंटिक छोले भटूरे जो होते हैं ना, जो हमें दिल्ली में मिलते हैं, ऐसे फूले हुए भटूरे. इसके बाद वॉक करनी पड़ेगी अच्छी खासी. हाँ जी मस्त खाना है. सो एक आपको मैं अच्छी चीज़ बताऊंगा इस रेस्टोरेंट की कि बच्चे नॉर्मली जो है ना खाना करते हैं स्पाइसी है, मज़ा नहीं आ रहा खाने में, एक इनका खाना बहुत अच्छा है. अशिता बड़े आराम से खा रही है. अनीश डिड यू लाइक द फूड? और हमें जो पसंद आया ना सबसे ज़्यादा छोले भटूरे तो है ही हैं लेकिन ये जो चटनी है सौंठ चटनी, इमली की होगी ना, इमली और अमचूर की, ये चटनी तो ले जाने का मन कर रहा है. आशिता को देख के उन्होंने कहा इसको क्या पसंद है और हमने बताया कि फ्रूट्स बहुत पसंद है तो इन्होंने स्पेशली आशिता के लिए फ्रूट्स भेजे. यही एक अपनी कम्युनिटी का डिफरेंस होता है, यू नो कम्युनिटी में जब आप मिलते हो किसी को. यस दैट्स ऑरेंज एंड एप्पल. डू लाइक द फूड? और खाने के बाद अगर एक चाय मिल जाए तो उसके बाद सारी थकान मिट जाती है. दैट्स परफेक्ट. तो आइए और पीजिए हमारे साथ. ये शनि कब एग्जैक्टली है ना, कैसी है चाय? है ना घर की चाय जैसी लग रही है ये. मैं कह रहा हूँ ना जो हम नॉर्मली बनाते हैं वैसी चाय नहीं है ये. एक्स्ट्रा दूध वाली. So, ये है जो आर्किटेक्ट आपको हमारे आईटी लैंग्वेज में जो अच्छा खाना बनाते हैं और ये उनकी वाइफ है. यस. और अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हैं सेंट जॉन में तो 100% रॉयल किंग टेस्ट ऑफ इंडिया पे आइए. बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, बहुत ही बढ़िया खाना है. मतलब अगर आप इंडिया में नहीं हैं और बाहर हैं तो आपको बिल्कुल इंडिया जैसी फील आएगी, खाने में भी एम्बियंस में भी. सगन आप आइए.